चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान रो रहा है, किसान पिट रहा है, किसान सड़कों पर पड़ा है। लगभग 350 करोड़ के आसपास ये इसके अभी तक बकाया है और ये जो है जानबूझ के किसानों का जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये किसानों के साथ किसानों की बेइज्जती हो रही है और किसानों का जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात ये है, हम इस मिल को गन्ना देना नहीं चाहते। इस क्षेत्र में बहुत बुरा काम हो गया, किसान रो रहा है, किसान पिट रहा है, किसान सड़कों पर पड़ा है, लेकिन इस सरकार में इस मिल में कोई किसानों की बात सुनने वाला नहीं है। साल साहब, ये किन मांगों को लेके आपका धरना है यहाँ पर, कितने दिन से और चल रहा है? मांगे तो किसानों की बहुत है, मांगे मान मान कर तो मांगे तो किसान अपनी मांगों को मान मान कर थक चुका। मांग तो है इतनी, हमने अपनी सभी मांगे छोड़ दी जब हमारे बच्चे भी प्रताड़ित होने लगे और हर तरफ से चारों तरफ से हमारे पे घिराव आ लिया। बाजार का भी, खाने का भी, डीजल का भी, सब कुछ हम तो चारों तरफ से नंगे हो लिए। इब नंगे होकर हमने अपनी सारी मांग छोड़ दी, हमने केवल केवल अपनी दो मांगे रखी भाई। जो हमने अपना गन्ना डाल रखा, अपना माल डाल रखा, जो खून पसीने तम सिंचे, किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह सींचता है, वो सींच के हमने बड़ा करके सामने शुगर फैक्ट्री को गन्ना दे दिया और माल देने के बाद ही हमारा पेमेंट नहीं हो रहा। अगले वर्ष सन 2023-24 के लिए किसान का गन्ना दूसरी मिल्लू को आवंटन कर दिया जा, जिसका पेमेंट सही समय पर हो रहा हो। ऐसी क्या स्थिति बन गई जो आप गन्ना नहीं देना चाहते? स्थिति ये बन गई कि पिछले कई सालों से, 7-8-10 सालों से ये फैक्ट्री धीरे 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 समय बढ़ाती जा रही है। जैसे कि पिछले साल का भुगतान अभी 2 महीने का पूरा नहीं किया और सीजन अगला चालू आना सिर पर आ गया होने के लिए, तो इस बीच में जैसे अब नया सीजन चालू होगा तो उसमें जो गन्ना डाल लेंगे उस गन्ने का भुगतान तो उससे अगले साल तक ले जाएगा। लगभग 350 करोड़ के आसपास ये इसके अभी तक बकाया है और अगले सत्र का जो होगा 125 करोड़ के आसपास ये गन्ना जो भुगतान वो पेड़ करेंगे, इसकी पेड़ाई सत्र जो करेंगे तो उसका भुगतान ये अगले साल भी नहीं कर पाने को उससे आगे ले जाएंगे। और किसान का एकमात्र कम से कम यही साधन है कि अपने गन्ने का मूल, यहाँ का जो किसान है गन्ने पर ही आधारित है और गन्ने की ही फसल का उसे अगर भुगतान पैसा नहीं मिल पाएगा तो उसकी घर की सारी ज़रूरतें रुक जाएंगी। शुगर मिल है उसके पास पैसा नहीं है या चीनी नहीं है, ये यो जो क्या नहीं है, जो ये जो है मिल वाले जो है ये प्रबंधक वगैरह जीएम वगैरह ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है, पैसा भी है और ये जो है जानबूझ के किसानों का जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था 14 दिन में पेमेंट देंगे किसानों को, दिया क्या? सब वादे झूठे, बताओ सारे जितने वादे किए वो सब झूठे। आगे आप कैसे देख रहे हैं धरने के? अजी कैसे नहीं, आत्महत्या का, आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं ये हाँ हमारे को